अपने प्लम्बर से पानी की पाइपों की फिटिंग तो हम करवा लेते हैं, लेकिन उसको हमें इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर कैसे हमारी टंकी के अंदर पानी जाएगा जो कि ऊपर रखी हुई है, कैसे हमारी नीचे वाली टंकी भरेगी, हैं, और कैसे हम सप्लाई की पानी ले सकते हैं, कैसे हमारे हमें बाहर में पानी मिल सकता है, तो ये कन्फ्यूजन कैसे दूर होगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर के अंदर पानी की फिटिंग करवाने के बाद इस तरह से कन्फ्यूज हैं और आपको पता नहीं चलता है कि आखिर कौन सी वाल खोलने पे किधर पानी जाएगा, कहाँ से आएगा, कैसे मतलब पानी की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी, बार बार आपको प्लम्बर को बुलाना पड़ता है, बार बार मिस्त्री को बुलाना पड़ता है, तो आज की हमारी ये वीडियो देख करके आप हमेशा के लिए इस परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। कैसे, तो चलो देखते हैं पूरी वीडियो, इसी के अंदर मैं बताऊंगा, सबसे लास्ट में वो फॉर्मूला बताऊंगा जिसकी वजह से कि आप हमेशा के लिए इस परेशानी से दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो एक HP की मोटर लगी हुई है आपके यहाँ, ठीक है, और कितना, 3 मंजिल है ना, 3 मंजिल पे ये पानी चढ़ाती है। प्रेशर कितना है ये देखो, इतना प्रेशर आ रहा है 3 मंजिल पानी पे, और ये मोटर मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इंडिया। देखो ये है सेक्शन लाइन, ठीक है, जहाँ से पानी खींचती है आपकी मोटर, ये सेक्शन लाइन है, ये पानी खींचने वाली पाइप है, और ये आउटपुट लाइन है, यहाँ से पानी फेंकता है, यहाँ से निकल के जाता है। अब यहाँ पे चाहो तो तुम टंकी के अंदर भर लो, जो आपकी टंकी है उसके अंदर, और चाहो तो ऊपर की छत के ऊपर जो टंकी लगी है उसके अंदर भर लो। अब जो आपके घर के अंदर टंकी लगी हुई है उसका ये पाइप आया हुआ है टंकी के अंदर से पानी निकालने के लिए, खींचने के लिए, और सप्लाई के अंदर से जो पानी आता है वो ये है, ठीक है, पाइप, सप्लाई वाला जो पाइप है पानी खींचने का, ये है पानी इसमें से आता है, और ये सेक्शन लाइन है, सेक्शन में से यानी कि खींचता और ऊपर फेंकता है। अब देखो, अगर आपको सप्लाई से पानी खींचना है, ठीक है, यानी कि सप्लाई वाला पाइप पानी इसके अंदर आता है जो लाइन में आता है, तो इसको अगर आपको खींचना है तो इसको आपको चालू करना पड़ेगा। अभी ये बंद है, ठीक है, ये बंद है, इसको आपको चालू करना है, कैसे, इसको सीधा कर देना है, ये चालू हो जाएगा, और टंकी के अंदर से पानी नहीं, जब सप्लाई में पानी आएगा तो टंकी के अंदर से आपको पानी बंद करना होगा। अगर आप इसको बंद नहीं करोगे तो आपका सप्लाई वाला पानी जो है वो पूरी तरह से नहीं आ पाएगा, या दोनों मिक्स होकर के आएगा, और ज़्यादा अगर पानी कम आ रहा होगा तो इसका ही पानी आएगा, इतना ही पानी, मतलब अगर ये मतलब पानी नहीं आएगा तो इसके अंदर से पूरा पानी खींच लेगा, ये पानी नहीं खींच पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी सप्लाई से पानी खींचोगे लाइन वाले, तो आपको इसको पूरी तरह से ऐसे कर देना है, बंद हो जाएगा, ठीक है, और इसको आपको सीधा कर देना, ये इसका पानी खींच लेगा। और जब आपको मतलब सप्लाई में से पानी नहीं आ रहा है तो इसको आपको बंद कर देना, जैसे अभी ये बंद है, ठीक है, ऐसे ही बंद रखना है, और इसको इस तरह से चालू कर लेना है, जैसे ये चालू है, ये सीधा कर दोगे चालू हो जाएगा। तो अभी ये जो है आपका टंकी से पानी खींच रहा है, ठीक है, यहाँ से तो खींचने का सिस्टम हो गया कि खींचना किस में से है, तो इसको सीधा कर देना है और इसको बंद कर देना है, यानी कि इसको चालू कर देना है, इसको बंद कर देना है, अभी ये चालू है और ये बंद है, ठीक है, इसको चालू कर दोगे और इसको बंद कर दोगे तो टंकी से आपका पानी खींचने लग जाएगी मोटर, और इसको बंद कर दोगे और इसको चालू कर दोगे तो आपके सप्लाई से पानी खींचने लग जाएगी, आ रहा होगा तो खींचेगा, नहीं आ रहा होगा तो नहीं खींचेगा, ठीक। अब ये आपका टंकी के अंदर पानी पाइप गया हुआ है, ये पाइप जो है कि आउटपुट से आया है पानी, यहाँ से आता है, जब मोटर फेंकती है ना पानी, तो यहाँ से पानी फेंक रहा है और यहाँ से ये अंदर जा रहा है। अगर इसको आप खोल दोगे, अभी ये बंद है, इसको अगर आप ऐसे खोल दोगे, सीधा कर दोगे, तो पानी आपका ऊपर ना जाने की बजाय, जैसे ऊपर गया हुआ इधर से और यहाँ से आपका नीचे टंकी के अंदर भी गया है, तो अगर इसको आप बंद रखोगे तो पता टंकी के अंदर पानी जाएगा छत पे जो रखी है टंकी उसमें, और अगर इसको आप सीधा कर दोगे, ऐसे बिल्कुल सीधा कर दोगे, तो ये आपका ये नीचे जो टंकी है गड्ढा बना रखे हो उसके अंदर पानी जाने लग जाएगा, ऊपर टंकी में पानी नहीं चढ़ेगा, ठीक है। तो जब आपको छत पे पानी चढ़ाना है, चाहे टंकी से चाहे सप्लाई से, किसी से भी आपको पानी चढ़ाना है छत पे, तो आपको इसको बंद रखना पड़ेगा, समझे, कोई कन्फ्यूजन है? दोस्तों, वो फॉर्मूला क्या है तो मैं आपको बताऊं इस फॉर्मूले के बारे में। तो सिंपल सी बात है, किसी भी मिस्त्री को एक बार बुलाइए, और जैसे मैंने इन भाई को समझाया है, भाई किस तरह से आप इस पाइपों को मतलब
कौन सी वॉल खोल करके कौन किधर पानी जाएगा किधर नहीं जाएगा। इसी तरह से एक दो मिनट की चार मिनट की जो वीडियो है वो बना लीजिए और दो चार बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी, दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सा पाइप खोलने से कौन सा वॉल खोलने से आपके पानी टंकी में जाएगा, कौन सा वॉल खोलने से आपके नीचे जो टंकी है उसके अंदर पानी भरेगा, कौन सा वॉल खोलने से आपके समरसेबल से पानी आएगा और कौन से वॉल खोलने से आपके सप्लाई का पानी आपके टंकी के अंदर या नीचे वाले टंकी के अंदर जाने लग जाएगा। तो मैं कंफ्यूज हो जाऊं इससे पहले चलता हूं, इसको शटर डाउन करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय सियाराम।